इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। महाराष्ट्र का राज्य प्राचीन वास्तुकला के दृष्टिकोण से काफी वैभवशाली है। ये राज्य गुफाओं और किलों से प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन इनके अलावा इस राज्य में कई प्राचीन मंदिरें भी हैं। अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाने वाले मंदिर काफी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी कई ऐसे प्राचीन मंदिरें हैं जिनकी शिल्पकला देखते ही बनती है। उन कई मंदिरों में से एक है मांकेश्वर का मंदिर, जो उस्मानाबाद जिले के भूम तालुका में स्थित है। आज मांकेश्वर ये गांव इतना वैभवशाली नहीं लगता, लेकिन यहाँ के मंदिर इस बात की गवाही देते हैं कि प्राचीन और मध्ययुगीन काल में ये इलाका काफी समृद्ध और महत्वपूर्ण था। ये मांकेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है और ये मंदिर गांव के थोड़ा सा बाहर विश्वरूपा नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर की अगर वास्तु रचना देखी जाए तो इसमें सबसे पहले है एक मुख्य मंडप, या जिसको पोर्च कहा जा सकता है। इसके बाद आता है एक बहुत बड़ा सा हॉल जैसा स्ट्रक्चर, जिसको गुड़ मंडप कहते हैं, जिसके बीचों बीच चार बहुत ही अलंकृत या बहुत ही सुंदर नक्शी किए हुए चार स्तंभ है। इसके बाद आता है अंतराल या वेस्टिबल, और फिर जो मुख्य गर्भगृह है मंदिर का, जिसमें शिवजी की शिवलिंग की प्रतिष्ठापना की हुई है। ये मंदिर पूरा का पूरा 1 मीटर लंबी प्लिंथ के ऊपर खड़ा हुआ है। मंदिर के परिसर में एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। ये शिलालेख हमें बताता है कि करीब 1223 में यादव वंश के राजा सिंघण द्वितीय ने यहाँ पे कुछ दान धर्म किया था। मंदिर का ऊपरी हिस्सा आज बिल्कुल ही मौजूद नहीं है। ये मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है, इसके अलावा भी यहाँ पे दो बहुत ही छोटे गर्भगृह मौजूद है। ये दोनों गुड़ मंडप के दो तरफ बिठाए गए हुए हैं। इनके हमें प्रोजेक्शंस बाहर से नहीं दिखाई देते, लेकिन ये अंदर से गुड़ मंडप के जो जनरल प्लान है उसमें बिठाए गए हुए हैं। आज दोनों गर्भगृह में किसी भी प्रकार की प्रतिमाएं, देवी या देवताओं की प्रतिमाएं मौजूद नहीं हैं। लेकिन अगर हम इनकी द्वार शाखाओं को गौर से देखेंगे तो हम ये जान सकते हैं कि एक द्वार शाखा के ऊपर भैरव द्वारपाल है और दूसरी द्वार शाखा के ऊपर विष्णु द्वारपाल है या वैष्णव द्वारपाल है। इसके अलावा अगर हम इनकी बाहरी हिस्सों को देखेंगे तो एक जगह पे देवी की प्रतिमाएं ज़्यादा संख्या में हैं और दूसरी जगह पे विष्णु की प्रतिमाएं ज़्यादा संख्या में हैं। तो इनके बेसिस पर हम ये अनुमान कर सकते हैं कि एक गर्भगृह शायद देवी के किसी फॉर्म को डेडिकेट किया होगा और दूसरा गर्भगृह विष्णु के किसी फॉर्म को डेडिकेट किया हो। ये शिव मंदिर कई मौकों पर इस्लामी परिवर्तन का गवाह रहा। जब बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था, तब उनके कोंकण के दौरे पर नष्ट किए गए कई मंदिरों में से ये एक है। ऐसा माना जाता है, जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने 27 साल के मुगल मराठा युद्ध के दौरान मंदिरों को नष्ट करना शुरू किया, तब ये मंदिर भी काफी प्रभावित हुआ था, जिस वजह से आज दीवारों पर बनी कई मूर्तियां टूटी फूटी हालत में हैं। लेकिन फिर भी करीब 300 शिल्प कलाएं आज इस मंदिर में मौजूद हैं। क्योंकि ये मंदिर शिव को समर्पित है, यहाँ शिव के विभिन्न रूप के कई शिल्प कला देखने को मिलते हैं। मंदिर में बहुत सारे शिल्प मौजूद हैं। करीब 300 के आसपास मंदिर में शिल्प है। देवता और देव देवता, साधु, सुरसुंदरी, ये सब इसमें मौजूद है। इनमें से बहुत सारे शिल्प ये मंदिर के बाहरी हिस्से में हैं और ये बाहरी हिस्से में मूलतः जंघा और कुंभ, ये जो मोल्डिंग्स आते हैं, इसके ऊपर मौजूद है और बाकी के शिल्प ये अंदर के जो स्तंभ है उसके ऊपर मौजूद है। ये मंदिर के मुख्य देवता शिव होने के कारण यहाँ पे शिवजी के शिल्प बहुत सारी मात्रा में हैं। शिवजी को बहुत सारे ढंग में दिखाया गया है। एक है केवल शिव,
या फिर नटेश हैं, भैरव है, अंधकासुर को वध करते हुए शिव है, या फिर त्रिपुरांतक का वध करते हुए शिव है। तो ऐसे बहुत सारे शिव के शिल्प हैं। इसके अलावा बहुत ही कम मात्रा में विष्णु के शिल्प है जो मेनली वैष्णव श्राइन के बाहर के हिस्से में आते हैं। विष्णु के कुछ अवतार भी दिखाए गए हुए हैं, जैसे कि नरसिंह है या वराह है, या कृष्ण के कुछ प्रकार है जैसे कि मुरलीधर है। इसके अलावा यहाँ पे सूर्य की भी एक प्रतिमा मिली हुए हैं। हरिहर ये एक और एक इंटरेस्टिंग आइकन है जो यहाँ पे मिला है। ये एक सिंक्रेटिक आइकन है जिसमें शिव और विष्णु की इकट्ठित प्रतिमा दिखाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अष्टदिक्पाल दिखाए गए हैं जो डायरेक्शंस के गार्डियंस होते हैं या डायरेक्शंस की रक्षा करते हैं, ऐसे माना जाता है। तो यहाँ पे इस संरचना का वैशिष्ट्य ये है कि ये आठों अष्टदिक्पाल गर्भगृह के चारों कोने में दिखाए गए हैं और दो दो के ग्रुप्स में ये आते हैं, और इनके बगल में चामरधारिणी या फ्लाईविस्कर जिसे कहा जाता है, फीमेल फ्लाईविस्कर, इनको दिखाया गया है। तो यहाँ पे चामरधारिणी का अंकन सिर्फ और सिर्फ अष्टदिक्पालों के बगल में ही दिखाया गया है। तो ये हमें एक हिंट देता है क्योंकि दो जो अष्टदिक्पाल हैं उनकी बॉडीज आज बहुत ही म्यूटिलेटेड है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एविडेंस, ये जो चामरधारिणी है उनके हिसाब, उनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये दो जो है वो अष्टदिक्पाल ही है। तो ऐसे मंदिर में जो शिल्प का रेखाटन हुआ है उसमें बहुत ही सारा लॉजिक भरा हुआ है, सिमेट्री है, देयर इज़ अ डेफिनेट स्कीम टू एवरीथिंग। शिव को समर्पित होने के बावजूद इस मंदिर में ज़्यादातर शिल्प कलाओं में देवियों की प्रतिमा दिखाई देती है। देवियों का अलंकरण बहुत ही विविध रूप से किया गया है। कुछ देवियाँ सीटेड है, कुछ स्टैंडिंग पोस्चर में है, कुछ डांसिंग पोस्चर में भी है। इनमें बहुत सारी सरस्वती की प्रतिमाएं हैं, पार्वती की है, उसके बाद महालक्ष्मी है, लक्ष्मी है। एक इंटरेस्टिंग प्रतिमा आती है यहाँ पे जो है महिषासुर मर्दिनी की। सो महिषासुर मर्दिनी को तीन अलग अलग रूप में दिखाया गया है। एक रूप में महिषासुर मर्दिनी के साथ जो असुर है, महिषासुर है, उसको सिर्फ पूरा एनिमल फॉर्म में दिखाया गया है। दूसरे रूप में उसको आधा एनिमल और आधा ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है, और तीसरे रूप में उसको पूरा का पूरा ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग अलंकरण यहाँ पे किया गया है इस मंदिर में। इसके अलावा मंदिर का जो नीचा हिस्सा है जिसे हम कुंभ मोल्डिंग कहते हैं, इसके ऊपर 60 से ज़्यादा देवियों की प्रतिमाओं का अंकन है। ये सब देवियाँ सीटेड पोस्टर में हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें से बहुत सारी मूर्ति भंग हो चुकी है, इसलिए हम ठीक से पता नहीं सकते कि एग्जैक्टली कौन सी मूर्तियाँ हैं, लेकिन कुछ कुछ मूर्तियाँ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि सरस्वती के रूप है या फिर पार्वती के रूप है, चामुंडा है, एक इंटरेस्टिंग तपस्विनी पार्वती की भी इमेज है जिसमें पार्वती के एक हाथ में शिवलिंग है और दूसरे हाथ में गणपति है और गणेश जी हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अंकन है यहाँ पे। ये अगर हम देखा जाए तो ये जो यहाँ पे ज़्यादा देवियों का अंकन देखा जाता है, ये आज का यहाँ पे जो रिलीजियस एटमॉस्फेयर पाया जाता है उससे भी जुड़ता है। आज भी अगर देखा जाए तो ये मंदिर परिसर में सटवाई की जो श्राइन है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, महादेव मंदिर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। लोग दूर दूर से आते हैं ये सटवाई की वर्शिप के लिए। ये बाजू के बहुत सारे रीजन्स में बहुत सारे लोगों की ये कुलदेवता भी है। ये सटवाई एक फोक गॉडेस है जिसे ज़्यादातर महिलाएं पूजती हैं। ये एक छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली, ऐसे नेचर रहने वाली ये एक देवता है। इस इलाके का धार्मिक वातावरण आज कुछ इस तरह का है कि यहाँ महादेव मंदिर से ज़्यादा मंदिर परिसर में स्थित सटवाई देवी को महत्व दी जाती है। सटवाई देवी की पूजा करने आज दूर दराज से बड़ी तादाद में लोग आते हैं। इस मंदिर को स्कॉलर्स और आर्कियोलॉजिस्ट का तो ध्यान मिला है, लेकिन इस भव्य और सुंदर मंदिर को पर्यटकों का भी अवधान मिलना चाहिए।